सरगुजा में एक बार फिर भाजपा हमलावर है, या यूं कहें कि बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के रियासत काल से चली आ रही जमीन को लेकर अंबिकापुर नजुल तहसीलदार ने जांच टीम गठित की है और जांच करने के आदेश दिए हैं। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ की गई पुरानी शिकायत के आधार पर नजुल तहसीलदार ने बाकायदा जांच का आदेश देते हुए जांच टीम भी बना दी है। वहीं 23 नवंबर 2022 को जारी इस पत्र में नजुल तहसीलदार अजय गुप्ता ने हल्का पटवारी का दल गठित कर जांच का एक सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन पंचनामा रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद राज परिवार की जमीन का मामला एक बार फिर से जिन की तरह बाहर आ गया है, जबकि इससे पहले हुई सभी जांच में शिकायत खारिज की जा चुकी है। वहीं शिकायत में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री और परिवार के सदस्यों के नाम फर्जी तरीके से जमीन की गई है, जिसमें जांच के लिए जारी आदेश में बनाई गई टीम में नारायण सिंह राजस्व निरीक्षक, राज बहादुर राजस्व निरीक्षक नजुल, आशीष गुहा राजस्व निरीक्षक नजुल, विजय श्रीवास्तव राजस्व निरीक्षक नजुल, श्रवण पांडे हल्का पटवारी, महेंद्र गुप्ता हल्का पटवारी अंबिकापुर शामिल है। श्री टी एक्स सिंहदेव सिंह के साहब के जो है जमीन के संबंध में जांच का जो है कमेटी गठित किया गया है। जहां तक मेरा अनुमान है कि सुसागर मान के जमीन के संबंध में जांच कमेटी बनाई गई होगी। इसकी वस्तु स्थिति यह है कि 52 एकड़ जो जल क्षेत्र था उसमें से 31 एकड़ जमीन का नोइया चेंज करने का जो प्रकरण था वो 1995-96 में कलेक्टर महोदय ने विधिवत शासन की अनुमति प्राप्त करके और जल का एरिया कम करते हुए उसको जो है रिहायशी क्षेत्र में डिक्लेयर किया था और बाकी 21 एकड़ जो ज़मीन है वो पानी का एरिया यथावत रहेगा। आज भी मौके में 21 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पानी है, उसमें कहीं किसी के द्वारा या टी एस सिंहदेव साहब के द्वारा जो है कोई निर्माण कार्य नहीं, उसमें खरीद बिक्री किया गया है। इसी भूमि के संबंध में भाजपा शासन काल में भी जब भीम सिंह साहब कलेक्टर थे तो उन्होंने जांच कराया था और जांच में पाया गया कि वास्तव में जो सारी कार्रवाई की गई है विधिवत की गई है, उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। और कुछ दिन पूर्व भी जो है लगभग 6-7 महीने पहले ये मैटर समाचार पत्र में उठाया गया था कि गलत किया जा रहा है, उसमें भी जांच किया गया और जांच में पाया गया कि सारी जो शिकायतें हैं वो झूठी हैं। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो जांच यदि कोई कमेटी बनाई गई है तो जांच कमेटी को अधिकार भी नहीं है कि कलेक्टर द्वारा या शासन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के सामने में नायब तहसीलदार जांच कमेटी गठित करके जांच करे, उनके क्षेत्राधिकार से ही बाहर है। और निश्चित रूप से ये गलत, यदि इस तरह की कोई कमेटी बनाई गई है तो उनको अधिकार नहीं होने से गलत कार्रवाई की जा रही है। ठीक नहीं है, ये मामला जो है मेरे संज्ञान में नहीं था और जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश की मुझे जानकारी भी नहीं है। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से उस आदेश की जानकारी मिली। क्या लगता है सर कि जो आदेश की कॉपी निकला है मतलब फर्जी है या फिर राजनीति के उसकी जांच करा रहे हैं कि कहां से आदेश निकला है वो? सर क्या नायब तहसीलदार इस तरह के मामले में जांच टीम गठित करने का अधिकार? एक बार वो आ जाए, मैंने नजुल अधिकारी महोदय को और SDM साहब को दोनों को उसकी तफ्तीश करके और मेरे सामने प्रस्तुत करने को दिया है, वो लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे प्रस्तुत करेंगे। अंबिकापुर में मैंने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री श्री TS सिंहदेव और उनके परिवार पर 29 जनवरी 2022 को एक पत्रकार वार्ता लेके जांच की मैंने मांग की थी। उसकी एक प्रति मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी भेजी थी। वहाँ से जो जांच पड़ता आया है रिपोर्ट वो सरगुजा में पहुँच गया है और उसके आधार पे सरगुजा में यहाँ के तहसीलदार ने एक जांच टीम का गठन किया है और इस जांच टीम को एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। मेरा सीधे सिंहदेव और इनके परिवार पे यह आरोप है कि इन लोगों ने मर्जर एग्रीमेंट जो 1947-48 में हुआ रियासतों के विलीनीकरण के समय उसका खुलेआम उल्लंघन किया है। मेरे पास दस्तावेज हैं, इन लोगों ने गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो शासकीय दस्तावेज में दायरा पंजी होता है उसका मूल पन्ना ही फड़वा दिया है षड्यंत्र पूर्वक। ये सूचना के अधिकार से जब मैंने जानकारी ली और वो जो फटा पन्ना है उसमें खैरबार की 1500 एकड़ ज़मीन, उसी तरह अंबिकापुर शहर में जो भी शासकीय प्रतिष्ठान थे, यह शासकीय प्रतिष्ठान जो PWD ऑफिस के रूप में, इरिगेशन ऑफिस के रूप में, शिक्षा विभाग के रूप में, एग्रीकल्चर ऑफिस के रूप में, गवर्नमेंट लैंड के रूप में, गवर्नमेंट प्रतिष्ठान के रूप में दर्ज थे, ये बाद में राज परिवार और इनके लोगों के नाम कैसे आ गए इसकी मैंने प्रमाण सहित शिकायत की थी। उसी की जांच अभी सरगुजा में हो रही है।